Hello my dear student, welcome you here in this lecture number 119 for that topic hydrocarbons. We have been learning regarding the hydrocarbons, alkenes particularly, and the chemical properties of alkenes we have been learning. In the last lecture we have studied very important article, that is the addition of hydrogen halide on alkene, particularly HBr ke bare mein humne dekha hai. विदाउट पेरोक्साइड एंड विथ पेरोक्साइड फर्क होता है. व्हेनेवर द एडिशन ऑफ HBr इज देयर ऑन अनसिमेट्रिकल अल्किन लाइक प्रोपीन विथ नो पेरोक्साइड विदाउट पेरोक्साइड देन मार्कोनिकोज रूल कम्स इनटू द एक्शन एंड वी गेट 2-bromopropane एज ए मेजर प्रोडक्ट. तो उसका भी मैकेनिज्म हमने देख लिया, वो आयनिक मैकेनिज्म है, isn't it? Because the secondary carbonium ion formed there will be more stable, and that's why secondary is formed major and primary is formed minor. अब दूसरा रिएक्शन जो हमने लास्ट वीडियो में देखा है, जरूर देखो वो वीडियो, दैट इज एडिशन ऑफ HBr ऑन प्रोपीन अनसिमेट्रिकल अल्किन बाय एंटी मार्कोनिकोज रूल, और देयर इज आल्सो कॉल्ड द खराश इफेक्ट, वो भी हमने देखा था. तो उसमें क्या होता है, व्हेनेवर पेरोक्साइड कैटलिस्ट इज यूज्ड देन द एडिशन टेक्स प्लेस कॉन्ट्ररी टू द मार्कोनिकोज रूल, इजंट इट? और जो मार्कोनिकोज रूल से 2-bromopropane बनना चाहिए था उसके बगैर हमको क्या मिलता है वहां पे, पर्टिकुलरली वी हैव सीन दिस रिएक्शन दैट व्हेनेवर दिस इज CH3CH डबल बॉन्ड CH2 विथ HBr एंड विथ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड कैटलिस्ट अगर लिया है तो व्हाट वी गेट, वी गेट CH3CH2CH2Br, दैट इज 1-bromopropane एज ए मेजर प्रोडक्ट. ये हमको मेजर प्रोडक्ट बिल्कुल मिलता है, वी गेट दिस मेजर प्रोडक्ट, यानी दैट इज मोर देन 90% एंड माइनर विल बी द 1-bromopropane. तो ये रिएक्शन हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी. तो इसका मैकेनिज्म हमें लर्न करना है, मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ HBr, मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ HBr बाय एंटी मार्कोनिकोज रूल. मार्कोनिकोव के एंटी नहीं है ये, एंटी मार्कोनिकोज रूल का मतलब ये है मार्कोनिकोज रूल के अगेंस्ट, कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी टू द मार्कोनिकोज रूल. ओके, तो ये क्या होता है देखेंगे हम पर्टिकुलर. इसमें पेरोक्साइड जो यूज किया है, वी कैन यूज एनी पेरोक्साइड, ओके, वी कैन यूज एनी पेरोक्साइड, पर यहां पे समझो बेंजोइल पेरोक्साइड यूज किया है जिसका फॉर्मूला है C6H5CO टेकन ट्वाइस O. तो बेंजोइल पेरोक्साइड को कैसा लिखते हैं, तो मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप, ये पहली बात यहां पे ध्यान में रखना है, इट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड. ओके, ये तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होने वाला है टोटली, समझ में आया? अब देखो इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप, स्टेप वन, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है. तो मैं लेता हूं ये कंपाउंड C6H5 C double bond O, single bond O, single bond O, single bond C double bond O C6H5. देखो आया बराबर, C6H5CO taken twice O, C6H5CO, C6H5CO taken twice with O2, I'm sorry, with O2 peroxide है ना वो, so that is called as benzoyl peroxide.
दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड। ओके देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन लिखते टाइम बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। अभी गलती से मैंने क्या किया था, यहाँ पर गलती से मैंने यहाँ पे ओ सिंगल ही लिखा था, तो वो एग्जामिनर उसको माफ नहीं करेगा एंड यू नॉट गेट अ मार्क। अगर सिंगल ओ लेके चलते तो ये पेरोक्साइड लिंकेज कहाँ पे आता, ये जो लिंकेज है इसे कहते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। अब यहाँ पे क्या होता है देखो, होमोलिसिस हो जाता है इसका। होमोलिसिस का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर। और हमको क्या मिलेगा देखो, व्हाट वी विल गेट बाय होमोलिसिस, वी विल बी गेटिंग टू मॉलिक्यूल्स ऑफ और टू पर्टिकुलरली फ्री रेडिकल्स ऑफ C6H5 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और ये हो गया उसका फ्री रेडिकल। ओके C6H5 CO O फ्री रेडिकल। सो दिस फ्री रेडिकल इज फ्रॉम देयर। यहां पे उसके दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अगर दिखाने के तो हम दिखा सकते हैं। यहां पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां पे एक लोन, हर एक ऑक्सीजन को रहते हैं, सो टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। बट दिस इज द ऑड इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल इज दैट विच इज हैविंग वन ऑड इलेक्ट्रॉन, का मतलब दैट इज सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये यहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है, पेयर में से क्या हो गया है देखो, वन इलेक्ट्रॉन गोज हियर टू दिस ऑक्सीजन, वन इलेक्ट्रॉन गोज हियर टू दिस ऑक्सीजन। ओके और ये ऑक्सीजन को वहां पे जाने के बाद टू C6H5COO फ्री रेडिकल्स बन गए। अब क्या होता है देखो, ये ऑक्सीजन ऐसा और इलेक्ट्रॉन लेके बैठने वाले में से नहीं है, वो थोड़ा पर्टिकुलरली अनस्टेबल हो जाता है। फिर वो क्या करता है, वो इस कार्बन और इसके बॉन्ड को स्टिम्युलेट करता है, सो दैट हियर अगेंस्ट होमोलिसिस ऑकर्स इन ईच, और ये इलेक्ट्रॉन जाता है यहां पर, ये इलेक्ट्रॉन जाता है यहां। ओके एंड देयर व्हाट वी विल गेट नाउ, वी विल गेट टू C6H5 डॉट, यानी फिनाइल के दो फ्री रेडिकल बन गए और ये बन गया C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यानी ट्वाइस CO2, ट्वाइस है ना ये, तो ट्वाइस CO2 भी मिल गए कार्बन डाइऑक्साइड, और ये फिनाइल फ्री रेडिकल बन गए, फिनाइल फ्री रेडिकल। ओके फ्री रेडिकल का सिलसिला चालू हो गया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नाउ इन स्टेप टू द फ्री रेडिकल ऑफ ब्रोमीन इज फॉर्म। अब ये जो फिनाइल फ्री रेडिकल है, मैं अभी एक ही लूंगा C6H5 डॉट, पर पोटेंशियल दो का है, कंबाइंस विथ HBr रीएजेंट। ये जो रीएजेंट हमने लिया है HBr, उसके साथ वो कंबाइन हो जाएगा। ओके एंड व्हाट यू विल गेट नाउ, अब ये यहां पे HBr का भी होमोलिसिस हो जाएगा, हियर आल्सो द बॉन्ड विल ब्रेक एंड H विल बी सेपरेटेड देयर, Br डॉट विल बी सेपरेटेड एंड व्हाट यू विल गेट, ये हाइड्रोजन जाएगा फ्री रेडिकल फिनाइल के पास एंड दे विल बी फॉर्मिंग बेंजीन। ये एक साइड प्रोडक्ट यहां पे मिलेगा इफ बेंजोइल पेरोक्साइड इज टेकन, प्लस Br का फ्री रेडिकल बन गया, फ्री रेडिकल ऑफ Br इज फॉर्म्ड नाउ एंड नाउ दिस फ्री रेडिकल ऑफ Br इन स्टेप 3 विल बी रिएक्टिंग विथ प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसको तो हम भूल ही गए थे, इसके लिए तो चल रहा है पूरा, प्रोपीन प्लस Br डॉट, ये अभी का Br डॉट, तो क्या हो जाएगा, यहां पर भी लिख सकते, कहीं भी लिख सकते दैट ब्रोमीन फ्री रेडिकल। अब क्या होता है देखो, ये इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है ये पाई बॉन्ड का होमोलिसिस करेगा, होमोलिसिस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा एंड द अदर विल गो हियर। ओके सो व्हाट विल हैपन नाउ, Br विल गो सपोज टू द कार्बन नंबर 2, देन व्हाट यू विल गेट, दो चांसेस है यहां,
अगर ये सी एच थ्री है फिर ये सी एच यहाँ पे बी आर गया है, यहाँ पे सी एच टू फ्री रेडिकल बन गया है. ओके, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी फ्री रेडिकल, क्योंकि कार्बन एटम जो है वो प्राइमरी है. ओके, और दूसरी एक पॉसिबिलिटी यहां पे आईसी भी है, दैट यू मे गेट सी एच थ्री सी एच फ्री रेडिकल सी एच टू फ्री रेडिकल या बी आर यहां पे जाएगा. दिस इज सेकेंडरी फ्री रेडिकल, ये जो है वो सेकेंडरी फ्री रेडिकल है. समझ में, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान दो अच्छी तरह से. ये फ्री रेडिकल के या पाई बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन जो अभी डिस्ट्रीब्यूट मैं कर रहा हूं, सपोज इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस, दिस कार्बन हैज गॉट वन इलेक्ट्रॉन, दिस कार्बन हैज गॉट वन इलेक्ट्रॉन, सपोज बी आर विल गो टू दिस, वी विल गेट नंबर वन सी एच थ्री सी एच बी आर सी एच टू डॉट. ओके, अब देखो इसे कहते हैं प्राइमरी फ्री रेडिकल, और अगर समझो बी आर जो है वो इस कार्बन को गया सी एच टू बी आर, तो फ्री रेडिकल बनेगा सेकेंडरी कार्बन. दो चांसेस है ना, बी आर के लिए दो जगह दो अपॉर्चुनिटीज है, बी आर में गो टू कार्बन नंबर वन, बी आर में गो टू कार्बन नंबर टू, तो किसी भी यहां पे जा सकता है. तो प्राइमरी फ्री रेडिकल बनता है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल भी बनता है, बट इट इज सेड दैट प्राइमरी फ्री रेडिकल जो है पर्टिकुलरली इट इज मोर दैट पर्टिकुलरली इट इज मोर स्टेबल दैट लेस स्टेबल देन सेकेंडरी फ्री रेडिकल. सेकेंडरी फ्री रेडिकल मोर स्टेबल, इट इज मोर स्टेबल. ओके, एंड दिस प्राइमरी फ्री रेडिकल इज लेस स्टेबल. सो ऑब्वियसली ये दिस विल बी फॉर्म मेजर. तो अभी क्या हो जाएगा, देखो लास्ट स्टेप में, स्टेप नंबर फोर, उसमें क्या हो जाएगा, ये सी एच थ्री सी एच डॉट ये मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल, सी सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल रहता है सी एच टू बी आर, क्योंकि इसे स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन देते हैं ये सी एच टू ये सी एच थ्री, एंड नाउ दिस विल कंबाइन विथ एच प्लस और एच बी आर आई विल से, सो दैट दिस फ्री रेडिकल ऑफ एच विल बी टेकन देयर. यहां पे फिर एक बार बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एच का फ्री रेडिकल बन जाएगा, बी आर का फ्री रेडिकल बन जाएगा, एंड वॉट यू विल गेट, नाउ दिस एच फ्री रेडिकल विल ज्वाइन विद दिस एंड यू विल बी गेटिंग सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू बी आर सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू बी आर. दिस इज कॉल्ड एज वन डैश ब्रोमो प्रोपेन, और सिंस ये मोर स्टेबल है तो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट. मेजर प्रोडक्ट का मतलब है इट इज फॉर्म्ड मोर देन 90%. तो एंटी मार्कोनिकोस रूल से ये कैसा मेजर बनता है ये मैंने यहां पे प्रूव करके दिखाया है. ओके, और दूसरा जो है वो माइनर बनेगा पर्टिकुलर, क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल है, ये सेकेंडरी वाला मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल है, दैट्स व्हाई इट इज फॉर्म इन मेजर क्वांटिटी. तो ये मैकेनिज्म आपके सामने ही है, यू कैन अगेन जस्ट वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन. चारों भी स्टेप्स मैंने बहुत ही प्रॉपरली एक्सप्लेन करते करते लिखा है. सो इन द फर्स्ट स्टेप वी गेट दैट फिनाइल फ्री रेडिकल, कैसा फिनाइल फ्री रेडिकल बनता है वो भी देख लो. फ्री रेडिकल्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड बाय होमोलिटिक फ्यूजन, होमोलिटिक फ्यूजन से बनता है फ्री रेडिकल, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू डेफिनेटली लर्न दिस वेरी प्रॉपरली. फिर ये फिनाइल फ्री रेडिकल बी आर फ्री रेडिकल को बना देता है, यहाँ पे बेंजीन एक प्रोडक्ट मिलता है. नाउ दिस बी आर फ्री रेडिकल विच इज फॉर्म देयर विल बी देयर फॉर्मिंग अटैकिंग प्रोपीन. तो प्रोपीन पे अटैक करने के बाद ये थर्ड स्टेप ही इंपॉर्टेंट है उसका, दैट पर्टिकुलरली वी कैन गेट प्राइमरी फ्री रेडिकल एज वेल एज सेकेंडरी फ्री रेडिकल. अगर प्राइमरी फ्री रेडिकल लेते हैं देन दैट इज पर्टिकुलरली लेस स्टेबल, बट सेकेंडरी फ्री रेडिकल जो बनता है इट इज मोर स्टेबल. ओके,
पर वहां पे Br गया है कार्बन नंबर एक पे, ये ध्यान में रखो. एंड दैट्स व्हाई हाइड्रोजन हैज टू गो ऑन कार्बन नंबर टू, एंड दैट्स व्हाई 1-bromopropane विल बी द मेजर प्रोडक्ट, और दूसरा जो बनेगा वो माइनर बनेगा. यहां पे H लेने के बाद फिर एक बार Br फ्री रेडिकल बन जाता है, एंड दिस Br फ्री रेडिकल विल अगेन कंटिन्यू द रिएक्शन ऑफ थर्ड स्टेप, फिर फोर्थ स्टेप हो जाएगा, फिर थर्ड स्टेप, फिर फोर्थ स्टेप, ये कंटिन्यूएशन में रहता है फ्री रेडिकल में कैसे. सो आई एम श्योर, आई एम कॉन्फिडेंट यू हैव अंडरस्टूड दीज पॉइंट्स वेरी क्लियरली. वैसा देखने गए तो मैकेनिज्म थोड़ा बोरिंग लगता है, मैं जब पढ़ाता हूं तो वो बोरिंग आपको नहीं लगा होगा, आई एम कॉन्फिडेंट. फिर एक बार वीडियो रिवाइंड कर लो, देख लो, और ये अच्छी तरह से याद कर लो. ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न why HBr is only giving peroxide anti peroxide effect, not the other hydrogen halides HCl and HI. Okay, so that we shall discuss in the next lecture. Till then, goodbye. Do subscribe to my channel Cartesar Chemistry, and if you are a biology student, Cartesar Biology. Thanks a lot.